Let's go across to other news that affects the average man on the street. Certainly, if you live in the capital, and getting your daily groceries may be a slight headache, if not more, as traders in the capital have called for a 48-hour Delhi Bandh. This to protest against the ongoing ceiling drives initiated by the BJP-led civic bodies. 750 market associations have extended support to the Bandh, which means that shops selling daily requirements are also going to be shut. If you're heading to the market today, this is a story you may want to be aware of. हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं. सर, डीडीए के जो मीटिंग हुई है उसमें प्रस्ताव पास हुआ है तीन मुद्दों को लेकर, तब क्या अभी विरोध है आप लोग? डीडीए के जो भी प्रस्ताव पास हुए हम उनका स्वागत करते हैं, काफी हद तक वो हमें राहत देंगे, लेकिन अभी वो प्रस्ताव का अमली जामा पहनाने में अभी एक लंबी प्रक्रिया है. अभी वो पब्लिक ऑब्जेक्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर वापस डीडी अथॉरिटी में आएंगे, फिर अथॉरिटी की मीटिंग होगी, फिर डीडीए में जाएंगे, फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे. तो ये प्रोसेस है लॉ का, लेकिन तब तक दिल्ली में बहुत सारी सीलिंग हो चुकी है. तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि 31 दिसंबर 2017 तक दिल्ली में जो था जैसा था को एक एमनेस्टी स्कीम दी जाए और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, डीडीए एमसीडी के अधिकारी और व्यापारियों के प्रतिनिधि शामिल हों, और जो इस बात को तय करें कि दिल्ली में मास्टर प्लान का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, दिल्ली अच्छी कैसे बनेगी और दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से कैसे बचाओ होगा.